अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम लोग बचपन से ही इंडिया का मैप देखते आ रहे हैं, पर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के साथ साथ हमें श्रीलंका का मैप भी दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, इसीलिए ऐसा होता होगा। गाइज, अगर ऐसा होता तो फिर बाकी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार को भी भारत के नक्शे के साथ साथ दिखाया जाता। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि श्रीलंका को भारत के मैप में क्यों दिखाया जाता है और क्या है इसका असली कारण। तो हर बार की तरह स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। गाइज, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है समुद्री कानून, जिसे लॉ ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। द यूनाइटेड नेशन ने साल 1956 में पहला लॉ ऑफ द सी UNCLOC, यानी अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कई इंटरनेशनल कंट्री इन्वॉल्व हुई थी। और उस सम्मेलन का रिजल्ट साल 1958 में जाके डिक्लेयर्ड हुआ, जिसमें हुआ ये कि समुद्री कानून के तहत, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द सी, किसी भी देश की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक समुद्र में मौजूद हर चीज को मैप में दिखाना कंपलसरी है। तो देखो, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में जो धनुषकोडी गांव है, वहां से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 मील दूर है। तो इस हिसाब से श्रीलंका लॉ ऑफ द सी के अनुसार भारत के नक्शे का हिस्सा बन जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।